5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, आपको एपी गिवन है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसकी हमें राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है। ठीक है, तो जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे को फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3, 1, -1, -3, ये हमारी एपी गिवन है। सो हमारा ए कितना हो जाएगा 3, है ना, और हमारा डी कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो हमारा डी किससे निकलता है, ए टू माइनस ए। सो ए टू की वैल्यू क्या है 1, 3 की ए की वैल्यू क्या है -3, तो हमारा डी कितना आ गया -2, तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी 3 एंड डी की वैल्यू क्या होगी -2। ऐसे ही हम करते हैं पार्ट सेकेंड, इसमें हमें ए पी गिवन है -5, 1, 3 एंड 7, तो हमारा ए कितना हो गया -5। ऐसे हम डी निकालेंगे a2 की वैल्यू कितनी गिवन है -1, माइनस का ये वाला माइनस का माइनस, a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -5। हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हमारा d कितना आ गया 4, प्लस का 4। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे जो हमें गिवन है 1/3, तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी 1/3, b a2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5/3, a3 9/3, a4 हमें दे रखा है 13/3, तो हम d निकालेंगे, d कैसे निकलेगा a2 - a, a2 की वैल्यू कितनी गिवन है 5/3, a की वैल्यू कितनी गिवन है 1/3, सो 3 का 3 5 में से 1 गए, d की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ओके, हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ फोर्थ पार्ट, इसमें 0.6, 1/7, 2.8, 3.9 हमें ये ए पी गिवन है, तो हमारा ए कितना हो गया 0.6। ठीक है, ऐसे अब हम डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है a2 - a, ए टू की वैल्यू कितनी गिवन है 1.7 -0.6, तो इसको माइनस करके देख लो 7 में से 6 गए 1, 1 में से 0 गए 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई डी की वैल्यू क्या आ गई 1.1। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट हो गया।